बड़सर क्षेत्र की वेल पंचायत के बरूटी गांव में घोषणा के बावजूद सड़क मार्ग को पक्का न होने के कारण शहीद दीपचंद राणा के परिजन व अन्य ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। आज भी ग्रामीणों को 5 किलोमीटर पैदल चलकर बस पकड़नी पड़ती है। ग्रामीणों के भारी रोष के चलते युवक मंडल वेल के सदस्यों के प्रयास को देखते हुए इस मुद्दे को लगातार मीडिया में उठाया गया, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने हरकत में आकर बरूटी इसे जोरगार्ड सड़क का काम शुरू करवा दिया है। सड़क के निर्माण कार्य शुरू होने से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है और ग्रामीणों ने इसके लिए सरकार व जिला प्रशासन का आभार जताया है। बता दें कि ग्राम पंचायत बेल के बरोटी गांव के रहने वाले दीपचंद राणा ने 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी। शहीद को सम्मान देते हुए तत्कालीन सरकार ने दीपचंद राणा के नाम से एक सड़क मार्ग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन बरसों बाद भी उस सड़क मार्ग का एक हिस्सा कच्चा व खस्ता हालत में था। सड़क बनने से बरोटी बेल थाना अम्बोटा लहड़ा भगोला तिबड़ा तुड़ान धर्मशाला सहित अन्य दर्जन भर गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। वहीं युवक मंडल के मीडिया प्रभारी संदीप राणा ने बताया कि 21 वर्षों बाद काम शुरू हुआ है, इसके लिए वे प्रशासन सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बताया कि सड़क के खराब होने से गांव के कई बीमार लोग समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण दम तोड़ चुके हैं। अब सड़क के पक्का होने का काम शुरू हो गया है, तो इसके लिए लोक निर्माण विभाग का आभार जताया है। ये जो सड़क है ये शहीद दीपचंद राणा जी के नाम से है, जो कारगिल में भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी तो शहीद हुए थे। और 1999 में सरकार ने घोषणा की थी बरोटी से लेकर जोरघाट सड़क को बनाने की, लेकिन 2002 में इस सड़क का निर्माण किया गया था और 2013 में डंगे लगाए थे, पुलियां लगाई थी, सोलिंग की थी, लेकिन 2013 से लेकर 2020 तक सड़क को पक्का नहीं किया गया। तो मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश बड़सर और अधिकारियों का, सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जो काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, काफ़ी दिनों से जो है काम नहीं हो रहा था और यहां की जनता को 4-5 किलोमीटर दूर जाके बस पकड़ना पड़ती थी, तो इसका मैं धन्यवाद करता हूं, इस सड़क को पक्का करने के का काम शुरू करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि यहां से जो जितनी भी बसें हैं वो वैष्णो माता के मंदिर से होके जाती है, तो मैं चाहता हूं कि वो बसें इधर से चलाई जाएं, एक बस सुबह एक शाम को जो है वो इधर से चलाई जाएं, तो जो एक लोकल बस है हमीरपुर टू स्मैला उस बस का रूट इधर से किया जाए। तो मैं सरकार का और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बड़सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। वहीं अन्य ग्रामीण कैप्टन बलवंत सिंह राणा ने भी सड़क के पक्का होने पर लोक निर्माण विभाग का आभार जताया है। बलवंत राणा ने कहा कि विभाग जहां पर डंगा लगाने की आवश्यकता हो वहीं पर डंगा लगाने की गुहार लगाई है। वहीं लोक निर्माण विभाग SDO अनिल शर्मा ने बताया कि बरोटी से जोरगढ़ सड़क का काम शुरू करवा दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं सड़क, आज से 20 साल पहले हमारा एक भाई दीपचंद राणा कारगिल की लड़ाई में शहीद हुआ था, उनके नाम से शहीद मार्ग का नाम देकर काम शुरू हुआ था, परंतु 20 साल से इस काम को आरंभ नहीं किया गया। इसका कारण तो पता नहीं, हम नहीं जानते हैं, और आज ये कार्य आप फिर से आरंभ हुआ है। इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे भारत सरकार और अपनी PWD डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जैसे ये कार्य अभी चल रहा है इसका ठीक तरीके से, जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा वहाँ पे डंगा वगैरह जो भी देते हैं उसको अच्छी तरह से प्रबंध किया जाए, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो हमारी एक प्रार्थना है कि इस रूट से जो भी जितनी भी बसें वैष्णो देवी से और समताना से सीधी जाती हैं, यहाँ इस रोड से भी 2 या 3 बस तो जरूर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे 7 गांव इस रोड पे पूरे बगैर रोड के और बगैर इस साधन से वंचित हैं। तो मेरी प्रदेश सरकार से फिर अनुरोध करता हूँ कि जैसे रोड कंप्लीट होता है तो इसके ऊपर पूरा पूरा फोकस रखें और यहाँ से बसें चलाने का कृपा करें, इतना बोलना ना, बसें चलाना आरंभ करें।